दोस्तों मैं भी क्लास टोली यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों कल एक और मैच हुआ था जिसकी वीडियो लेके आया हूँ, वो है कार्लोस अल्कराज़। एटीपी रैंकिंग नंबर 1 के बादशाह चल रहे हैं और उनके पास बहुत ज्यादा चांसेस है एटीपी रैंकिंग नंबर 1 पे रहने का, अगर वो खुद अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। और उनका जो मैच था डेनिस शापोवालोव लेफ्टी के साथ मैच था, लेफ्टी प्लेयर है और डेनिस शापोवालोव अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बट उन्हें एक चीज़ को कंट्रोल करना, डबल फॉल्ट, जो इस बार फिर से डबल फॉल्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं। क्यों ज़्यादा हुए हैं? क्योंकि देखा जाए एसेस तो आए नहीं, डबल फॉल्ट, 10 डबल फॉल्ट हो रहे, तो देखा जाए ये प्रदर्शन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। और कार्लोस अल्कराज़ का परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी थी, सेकंड सेट में थोड़ा डेडमन आए बट उन्होंने वो डेडमन आने को सही कर दिया, ब्रेक पॉइंट्स लाए और जल्दी जल्दी कन्वर्ट किए और फिर और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दोस्तों एटीपी रैंकिंग नंबर 1 वर्सेज एटीपी रैंकिंग 32 का मैच था, दोनों के बीच में पहला मैच था और जो जीते हैं वो कार्लोस अल्कराज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच फ्री में सारे ब्लॉग्स की रीडिंग आपको मिल सके। अगर मैं पहले सेट की शुरुआत करूँ तो दोस्तों पहले सेट की शुरुआत काफ़ी शानदार रही कार्लोस अल्कराज़ द्वारा, अपनी सर्विस जेम पे होल्ड रखा, सर्विस जेम ब्रेक की, फिर से अपनी सर्विस जेम पे होल्ड रखा, सर्विस जेम ब्रेक की, देख रहे थे तो जैसे ही मैच शुरू हुआ 4-0 से आगे चले गए, फिर शापोवालोव ने अपनी सर्विस जेम पे फाइनली होल्ड रख पाए 1-5 हुआ, कार्लोस अल्कराज़ ने फिर से अपनी सर्विस जेम पे होल्ड रखा, 6-1 से पहला सेट जीता, बढ़िया प्रदर्शन किया। सेकंड सेट की शुरुआत की जाए तो शुरुआत इस बार शापोवालोव की अच्छी हुई, अपनी सर्विस जेम पे होल्ड रखा, सर्विस जेम ब्रेक की, फिर डेनिस शापोवालोव की सर्विस जेम कार्लोस अल्कराज़ ने ब्रेक की, फिर कार्लोस अल्कराज़ की सर्विस जेम डेनिस शापोवालोव ने ब्रेक की, पहले शापोवालोव ने सर्विस जेम ब्रेक की, फिर कार्लोस अल्कराज़ ने ब्रेक की, फिर शापोवालोव ने ब्रेक की, दो बार शापोवालोव, एक बार कार्लोस अल्कराज़ और शापोवालोव आ रहे 4-8 से आगे, लग रहा था कि भाई बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर कार्लोस अल्कराज़ ने सर्विस जेम पे होल्ड रखा, सर्विस जेम ब्रेक की, अपनी सर्विस जेम पे होल्ड रखा, 4-4 किया, उसके बाद उनकी सर्विस डे में एक बार फिर से ब्रेक की, 5-4 की, और अपनी सर्विस डे पे होल्ड रखे, 6-4 से जीत गए। कहाँ वो पीछे चल रहे थे और कहाँ वो एकदम आगे आगे बढ़िया प्रदर्शन किया भाई साहब कार्लोस अल्कराज़ ने, 1-4 पे थे, अपनी सर्विस डे पे होल्ड, सर्विस डे ब्रेक, बढ़िया प्रदर्शन करते रहे। दोस्तों थर्ड सेट की शुरुआत की जाए तो थर्ड सेट में शुरू में सर्विस गेम दोनों ने होल्ड रखी, क्योंकि कार्लोस अल्कराज़ ने फिर से सर्विस गेम ब्रेक की अल्कराज़ ने शापोवालोव की, उसके बाद शापोवालोव ने एक बार फिर से होल्ड रखा, फिर अल्कराज़ ने फिर से सर्विस गेम ब्रेक की और इस बार 6-2 से सेट जीता, पहला सेट 6 से, सेकंड सेट 6-4 से, थर्ड सेट 6-2 से, 3 स्टेट सेट्स में जीता वो, नेक्स्ट राउंड में पहुंचे, नेक्स्ट राउंड में मैच टक्कर हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट राउंड में प्लेयर बढ़िया और लोरेंजो मुसेटी के साथ मैच है और वो हमेशा बढ़िया प्रदर्शन करते हैं क्ले कोर्ट में, तो अच्छा मैच देखने को मिल सकता है, क्या पता कैसी परफॉर्मेंस होती है ये तो हमें मैच वाले दिन पता चलेगा, बट कार्लोस अल्कराज़ का पलड़ा भारी रहेगा। दोस्तों अगर स्टैट्स उन्हें डालू दोनों प्लेयर ने कोई एसेस नहीं है, ताजुब की बात है, बट डबल फॉल्ट कार्लोस अल्कराज़ ने सिर्फ 8-8 या दूसरी ओर, शापोवालोव ने जो मैं शुरू में बताया था बहुत ज़्यादा डबल फॉल्ट कर रहे हैं, 10 डबल फॉल्ट किए कैनेडियन के प्लेयर शापोवालोव ने, अली बार चाहेंगे इतने डबल फॉर नहीं हो, ब्रेक पॉइंट्स भी काफ़ी बार आए, 8 बार नहीं 2 बार नहीं, काफ़ी बार आए और काफ़ी बार उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई। दूसरी ओर कार्लोस अल्कराज़ थे 6 बार ब्रेक पॉइंट्स आए 4 out of 6, 4 बार सेव किए, 2 बार सेव करने में कामयाब नहीं रहे थे और वो दोनों बार सेकंड सेट में था, और 6 के 6 ब्रेक पॉइंट्स ये सिर्फ सेकंड सेट में ही आए, फर्स्ट और थर्ड सेट एकदम विदाउट ब्रेक पॉइंट गया था। दूसरी ओर शापोवालोव के देखा जाए 16 बार ब्रेक पॉइंट्स आए, उसमें से काफ़ी बार सेव भी किए बट बहुत बार सेव करने में कामयाब नहीं भी रहे, जैसे फर्स्ट सेट में वो सेव नहीं कर पाए सारे ब्रेक पॉइंट्स, सेकंड सेट में उनकी सर्विस गेम आगे थे तब भी ब्रेक पॉइंट्स आए कन्वर्ट हुए, थर्ड सेट में भी 2 बार कन्वर्ट हुए, काफ़ी बार ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट हुआ, टोटल 7 बार ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट हुआ और वो चाहेंगे कि अगली बार अच्छा प्रदर्शन करना, क्या लगता है कैसा प्रदर्शन करेंगे अल्कराज़ इसके खिलाफ अगली बार, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, और अल्कराज़ कैसा प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ अगली बार वो भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।